प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम दूसरे अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा अध्याय है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। देखें, सबसे पहले इसमें आपका जो उपविषय आता है वह है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। देखिए, भारत प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से बहुत ही संपन्न और एक धनी देश है। हमारे भारत के अधिकांश क्षेत्र पर लगभग 20-21% भूभाग पर वनों का विस्तार फैला हुआ है। भूपृष्ठ पर प्राकृतिक रूप से स्वतः उगने वाले पेड़ पौधों, वन, कटीली झाड़ियों, घास फूस आदि के समूह को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। देखिए, किसी भी देश या प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा समृद्धि में प्राकृतिक वनस्पति का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस देश में प्राकृतिक वनस्पति और संसाधन जितने अधिक मात्रा में होंगे, वह देश उतनी ही तीव्र गति से अपना विकास कर सकेगा। वन प्राकृतिक वनस्पति का ही पर्यायवाची शब्द है। भारत में मृदा, तापमानों तथा वर्षा की मात्रा और अवधि में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। आपने देखा होगा, भारत की मिट्टी, भारत में पाया जाने वाला तापमान और वर्षा, वो उस सभी का जो वितरण है वो असमान है। इनकी विविधताओं के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। कहीं कौणधारी वन मिलते हैं, कहीं मानसूनी वन मिलते हैं, कहीं टैगा वन मिलते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार की किस्मों के पेड़ पौधे भारत में देखने मिलते हैं। भारत देश फूलों वाले तथा बिना फूलों वाले पौधों से संपन्न है। बिना फूल वाले पौधे जैसे फर्न, शैवाल तथा कवक बिना फूलों वाले पौधे हैं। यहाँ पर पौधों तथा वृक्षों की लगभग 47,000 प्रजातियाँ मिली हैं अपने भारत में। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में 6,33,397 हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो वनों से ढका हुआ है। भारत की लगभग 19.47% भूमि पर वन फैले हुए हैं। जबकि ये बताया जाता है कि किसी भी देश में एक संतुलन बनाए रखने के लिए उस प्रदेश के लगभग एक तिहाई भूभाग पर वनों का विस्तार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम भारतवासी आज भी क्या कर रहे हैं, वृक्षारोपण करते रहते हैं, पेड़ पौधों को लगाते रहते हैं, जिससे कि क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वनों से सर्वाधिक आच्छादित जो प्रदेश है वो नागालैंड है। नागालैंड में सबसे अधिक प्रतिशत जो है वनों का पाया जाता है। इसमें 86.8% वनों का विस्तार है, लगभग 87 हो गया है। मिजोरम में 86.2%, अरुणाचल प्रदेश में 83.3% और वह मणिपुर में 80%। यानी ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 80% से अधिक वनों का विस्तार फैला हुआ है, लेकिन जनसंख्या बहुत कम यहाँ पर पाई जाती है, मानव बसा बहुत कम है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 91.96% भूभाग पर वनों का क्षेत्र है, वनों से आच्छादित है। अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम जो वन है हमारे भारत के हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य काफ़ी वन विहीन है। यहाँ अनेकों प्रकार की जो किस्में हैं, प्रजातियाँ हैं वनों की, वो अब विलुप्त हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। अपने उपयोगार्थ उन पौधों को, वृक्षों को काट लिया गया है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, अभी बताया था, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के लगभग एक तिहाई यानी 33.33% क्षेत्र पर वनों का विस्तार होना अति आवश्यक है। तो हमें अपने इस भारत की प्राकृतिक वन संपदा को बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर
वृक्षारोपण करते रहना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाते रहना चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष हमें जीवन प्रदान करते हैं, वृक्षों से ही हमारा जीवन आश्रित है। आज इतना ही, आगे कल आपका अध्ययन कराया जाएगा। आशा करते हैं कि जो भी आपको काम बताया जा रहा है उसे आप भली भांति पूरा कर रहे होंगे। धन्यवाद।